बिग बॉस 17 के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट समर ज्वेल की एंट्री के बाद अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। समर्थ की एंट्री के बाद जनता की नजरें अब ईशा, अभिषेक और समर्थ पर जा टिकी है कि अब गेम में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा। वेल, शो में एंट्री के दौरान ईशा ने अभिषेक पर कई एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समर्थ भी अभिषेक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल समर जुरेल बिग बॉस 17 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुके हैं, लेकिन शो में एंट्री करने से पहले समर्थ ने कई पोर्टल्स को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अभिषेक के गुस्सैल स्वभाव और ईशा मालविया पर अत्याचार के कथित खुलासे किए हैं। उन्होंने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में कई संगीन आरोप लगाए हैं अभिषेक पर। उन्होंने कहा कि अभिषेक को उडारिया में हटाया ही इसलिए गया था क्योंकि उनके और ईशा के बीच काफी दिक्कतें आ रही थी। अपने शॉकिंग खुलासों में समर्थ ने क्या कुछ कहा है एक एक करके आपको बताते हैं। पहला खुलासा, ईशा पर उठाया अभिषेक ने हाथ। इंटरव्यू में समर्थ ने अभिषेक कुमार के एग्रेशन के बारे में खुलकर बात की। समर्थ ने न्यू ईयर पार्टी का किस्सा शेयर करते हुए बताया कि कैसे अभिषेक ने ईशा को थप्पड़ जड़ दिया था। समर जुरेल ने कहा, न्यू ईयर वाली पार्टी के दिन अभिषेक ने ईशा को जोर से थप्पड़ मारा था कि आंख के नीचे काला पड़ गया था। वो पोजेसिव था, शायद वो नहीं चाहता था कि ईशा किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करे। समर्थ ने ये भी कहा कि वो इससे पहले अभिषेक से नहीं मिले थे और अब वो शो में ही मिलेंगे। दूसरा खुलासा, ईशा को देते थे धमकी, सेट से किया गया था बाहर। समर्थ ने आगे बताया कि ईशा ने एक बार बैकलेस फोटो डाली, उस वक्त वो दोनों कार में थे, ड्राइव कर रहे थे। अभिषेक ने ईशा से कहा कि अभी डिलीट कर, नहीं तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। एक बार चाय रखी थी, बोला इससे तेरा चेहरा जला दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि ये सारी बातें क्या ईशा ने उन्हें बताई तो समर्थ ने कहा कि ये ईशा ने नहीं बल्कि सेट के 10 लोगों ने बताई है। अभिषेक को सेट से बाहर ही इसीलिए किया गया था क्योंकि लोगों के लिए शूट करना ही पॉसिबल नहीं हो रहा था। और तीसरा खुलासा, गेम के लिए ईशा कर रही हैं अभिषेक से बात। वहीं बिग बॉस में आने से पहले समर्थ ने कहा कि वो ईशा के बहाने नहीं सुनेंगे। समर्थ ने बताया, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो क्यों ये सब कर रही है। इसकी सिर्फ दो वजह होंगी, पहला कि उसने सच में अभिषेक को माफ कर दिया है, या फिर वो गेम के लिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो जानती है कि मैं उसे शो में देख रहा हूँ, एक बार वो मुझे देख लेगी तो बदल जाएगी। बता दें कि समर जुरेल के बिग बॉस 17 में एंट्री करने के बाद ईशा मालविया इस बात से इनकार करती नजर आई थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक कुमार को बुरी तरह से रोते हुए देखा गया था। बाद में दोनों के बीच तब भी झगड़ा हुआ जब समर्थ ने ईशा को झूठी नंबर कहा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समर्थ की एंट्री के बाद घर में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और ईशा किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करेंगी।